हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं हूं रमन मिश्रा। दोस्तों, आज की जीएस प्लस वीडियो की सीरीज के लिए मैं आप सभी के समक्ष उपलब्ध हूं। हम बात कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान की। वर्तमान में संविधान सभा के बारे में जो कार्य रहे, चुनाव से संबंधित विभाजन के बाद सीटें, सभी पर बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है, सभी चीजों को अच्छे से जाना है। आज उसी के आगे हम बात करेंगे आपसे संविधान सभा में तमाम अलग तरह की आपकी बहुत अलग अलग तरीके की समितियां बनी थी, उन समितियों के अध्यक्ष कौन थे, कौन सी समिति का क्या कार्य था, इन तमाम मुद्दों पर आपसे बहुत अच्छी बातचीत करनी है। उसके साथ ही साथ संविधान सभा के अन्य महत्वपूर्ण कार्य क्या रहे, राष्ट्रीय चिन्हों को कैसे कब कब अंगीकृत किया, इन सभी के बारे में एक ही वीडियो में मैंने समावेश किया है, इसलिए यह वीडियो आपका सबसे ज्यादा जरूरी बनता है। राष्ट्रीय चिन्ह से हमेशा सवाल आया है, हमेशा आएगा, पीसीएस प्रीलिम्स से उठा लो भैया, पिछली बार भी प्रीलिम्स में था, उसके पिछली बार भी था, हमेशा प्रीलिम्स में राष्ट्रीय चिन्हों से सवाल होता है। तो राष्ट्रीय चिन्ह आपका इसीलिए जरूरी है, या वैज्ञानिक नाम, सब कुछ हम उनके बारे में देख लेंगे। और जो आपके छोटे आपके एग्जाम्स होते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश एसआई है या फिर आपका लेखपाल होगा, इन सभी में मतलब राष्ट्रीय चिन्ह तो पूछ ही लेता है कि अच्छा जो झंडा रहा है इसको कब अंगीकृत किया गया या कौन सी चीजें कैसी रही, तो इन सभी के बारे में बहुत डिस्कस व्यापक तौर पर करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, ये सभी आप सारे लोग जानते हैं कि यह निःशुल्क आपका प्रोग्राम है जो उत्तर प्रदेश आपका लेखपाल को लेकर पूरी तरीके से केंद्रित है, और इसमें हम वीडियोज और क्विज फ्री दे रहे, लेकिन जितना कुछ पढ़ा रहे भैया, इनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी आपके पीडीएफ हैं। पीडीएफ के लिए नाम मात्र का शुल्क है 150 रुपए महीना, यानी 499 रुपए में आपको 3 महीने के लिए सारी नोट्स हर एक क्लास की हम आपको दे रहे, जो प्रिंट आप करवा सकते हैं, बाद में पूरा एक बुक दे देंगे पीडीएफ जो प्रिंट हो जाएगी। अभी जो लेक्चर पढ़िए उस लेक्चर को क्या करिए, आप लोग उस लेक्चर का पीडीएफ लीजिए, उसको अच्छे से जो है पढ़िए, यानी क्योंकि लेक्चर में जितनी चीजें होती उससे ज्यादा नोट्स में होता है, नोट्स इसलिए आपकी जरूरी है, और नोट्स का क्वालिटी चूंकि नंबर वन है, जितने लोग इससे जुड़े हैं वो सारे लोग बोल सकते हैं कि नोट्स हम लोग कैसा आपको प्रोवाइड करते हैं। तो देर ना करिए, 10+ कोर्स का सब्सक्रिप्शन सारे लोग लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को भी इस कोर्स के अंतर्गत जोड़िए। इसमें इस समय मैं 2 बजे वाली में हिंदी आपको पढ़ा रहा हूं, इसमें 6 PM पर आपका जीएस प्लस का चल रहा है, रात को 10 बजे मैं जीएस हिस्ट्री को लेकर चला रहा हूं। तो यानी सब कुछ आपकी अलग अलग चल रही, सारी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ते रहो, सब कुछ आपका कवर होना है, और नोट्स के लिए 499 आप पे करिए और जुड़िए अच्छे से, समझ गए। कोई भी दिक्कत होती है किसी भी प्रोग्राम में, ठीक है, चाहे यूपीपीसीएस का आपका क्रैश कोर्स लेना है आपको, जिसमें किताबें और टेस्ट सीरीज लेना है, ये नंबर दिख रहा, कोई भी समस्या होती, कुछ भी होती, इस नंबर पर कॉल करिए, आपको सारी जानकारी, यानी कोई सूचनाएं आप लेना चाह रहे तो इन दोनों नंबर पर व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हो, कॉल के माध्यम से जानकारी ले सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की सीरीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, और आज हमें बात करना है किस पर, संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां और इनके अध्यक्षों पर, ठीक है, बहुत व्यापक तौर से परिचर्चा करनी है। तो दिमाग एकदम कंसंट्रेट कर लीजिए कि संविधान सभा में कौन कौन सी समितियां बनी और उनके अध्यक्ष कौन कौन से रहे, सभी में यह सवाल पूछा ही जाता है। देखो, संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां और उनके अध्यक्ष, देखो जब संविधान सभा बन गई तो यहां 2 तरीके की समिति का निर्माण किया गया था। 2 तरीके की समिति में कौन कौन, एक समिति आपकी कैसी बनी थी, एक बनी थी प्रक्रिया संबंधी समिति, यानी जितने प्रोसीजर होते हैं उन प्रोसीजर को बनाने के लिए क्या एक आपकी समिति अलग बनी। इसमें कई तरीके की समितियां होती है, यानी संविधान की जो निर्माण की प्रक्रिया बनाई उस समिति को हम प्रक्रिया संबंधी समिति बोलते हैं, यानी संविधान का निर्माण कैसे कैसे होगा या प्रक्रिया संबंधी जो है समितियों ने तय किया। इनके अंतर्गत कौन कौन सी थी, प्रक्रिया समिति, अधिकार समिति और सभा समिति, अन्य भी समितियां थी। दूसरी जो टाइप की आपकी समिति बनी, अगर उस समिति के बारे में बात किया जाए कि दूसरी कौन थी, तो दूसरी जो तरीके की समिति बनी थी यह बनी थी वित्तीय संबंधी कार्य को संभालने की समिति, ठीक है, विषय संबंधी, ठीक है, जैसे संविधान निर्माण करने वाली समितियों के अंतर्गत या थी, तो संविधान निर्माण करने वालों में आप जानते हैं इसमें आपकी प्रारूप समिति थी,
झंडा समिति, मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति, ये सारी समितियां इसके अंतर्गत थी जो विषय संबंधी कार्य को लेकर बनाई गई थी। समझ गए? अब हम पढ़ते हैं कौन कौन सी समितियां रही, उनके अध्यक्ष कौन कौन से रहे, क्योंकि हमेशा सवाल पूछा है भैया, हमेशा पूछेगा। समझ गए? चलो देखो, समितियों के नाम मैंने लिख रखे हैं और साथ ही साथ उनके अध्यक्षों को उनके सामने स्पष्ट रूप से लिखा गया है, तो आपको इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है। ध्यान दीजिए सारे लोग यहां पर, ठीक है? इधर समितियों के नाम दिए हुए हैं, इधर इनके अध्यक्ष के बारे में है। पहली समिति है प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन जो समिति बनी थी, इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वित्तियों में स्टाफ समिति बनी थी, इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यानी तीन समितियों के अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगली है प्रत्यय पत्र संबंधी समिति, यानी विलय होना था सभी का, किसका, जो आपकी छोटे छोटे वो थे, क्या बोलते हैं, जितने आपके रियायत देसी आपकी रियासतें थी, इनका विलय होना था। तो प्रत्यय पत्र संबंधी समिति थी, इसके अध्यक्ष अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। वहीं आवास समिति की अगर बात करें तो इसके जो अध्यक्ष थे या बी पट्टा भी सीतारमैया थे। और समितियों के बारे में अगर बात करें, कार्य संचालन जो समिति रही, इसके अध्यक्ष कौन थे, या के एम मुंशी बनाए गए थे कार्य संचालन संबंधी जो समिति थी। वहीं राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, यानी एडहॉक कमिटी जो बनी थी राष्ट्रीय ध्वज संबंधी, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, के एम मुंशी नहीं थे, याद रखिएगा, ठीक है? बहुत जगह अलग अलग मिलता है इसका नाम, लेकिन जो एडहॉक कमिटी बनी थी आपकी, किस पर, नेशनल फ्लैग पर, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है? अगली बात, संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी जो समिति थी, इसके अध्यक्ष जीबी मावलंकर, यानी संविधान सभा कैसे कैसे कार्य करेगी, इस समिति के अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे। वहीं राज्यों संबंधित जो समिति थी, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी जो सलाहकार समिति थी, इसके अध्यक्ष आपके वल्लभ भाई पटेल जी बनाए गए थे। अगली चीज, जो मौलिक अधिकारों से संबंधित एक उप समिति बनी थी, इसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, ठीक है? पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और आसाम के जो क्षेत्र थे, इनको शामिल करने की जिम्मेदारी जो समिति थी वह गोपीनाथ बारदोलोई को दी गई थी। आगे देख लेते हैं, अगली जो चीज है, जो अपवर्जित थे और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र थे, यानी असम के क्षेत्रों को छोड़कर, इनसे संबंधी जो उप समिति आपकी बनी थी, उस उप समिति के, ठीक है, अध्यक्ष जो बनाए गए थे वह एबी ठक्कर बनाए गए थे। संघीय शक्तियों संबंधी समिति, यह आया भी है, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है? वही संघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रारूप जो समिति बनी थी, इसके अध्यक्ष बी आर अंबेडकर थे। अब बात आती है भैया, ये प्रारूप समिति जिसने संविधान का निर्माण कराया, तो अब इसके गठन को लेकर के सवाल हमेशा पूछता है, सदस्यों को लेकर के। देखो भैया, मैंने आपको बताया था संविधान सभा की दूसरी बैठक में, ठीक है, 11 तारीख की जो बैठक थी, दूसरी बैठक, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो संवैधानिक सलाहकार थे आपके वी एन राव, ठीक है, संवैधानिक सलाहकार जो थे जिन्का नाम था वी एन राव, इन्होंने 21 फरवरी 1947 को संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया। इन्होंने सबसे पहले संविधान का एक ड्राफ्ट बनाया और उस ड्राफ्ट में यह था कि भारतीय संविधान ऐसा बनना चाहिए। जो संविधान का प्रारूप इन्होंने तैयार किया था उसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। सबसे पहले इसी संविधान के प्रारूप पर, ठीक है, मंत्रणा के लिए इन्हीं के अनुसार संविधान में किन किन चीजों को रखें, किन किन को निकालें, इन्हीं सारी बहस के लिए प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। समझ गए? तो जो प्रारूप इन्होंने तैयार किया था, इस पर जो है बातचीत और गठन जो है सारी चीजों को सही अरेंजमेंट के लिए प्रारूप समिति आई थी। समझे? यानी पहला इन्होंने तरीका पेश किया था कि भारतीय संविधान में ये विषय आपके ऐसे ऐसे विषय शामिल होंगे। समझ गए? देख लो, अब जो आपकी बनी, ठीक है, वीएन राव ने जो संविधान पेश किया बनाकर, उस संविधान पर परिचर्चा के लिए एक समिति का गठन होता है, उस पर विचार के लिए एक समिति बनी डॉक्टर वी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में, और यह 7 सदस्यीय आपकी प्रारूप समिति थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया, 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसको जो है ड्राफ्ट कमिटी भी बोलते हैं, ड्राफ्टिंग कमिटी भी बोलते हैं, और पांडुलेखन समिति भी बोलते हैं।
सवाल पांडुलेखन से पूछा है, तो इस चीज इसके लिए इसको ध्यान रखिएगा। एक बार सवाल पूछा है कि पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो हमेशा भैया ध्यान रखिएगा पांडुलेखन समिति के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर बी आर अंबेडकर ही थे, ड्राफ्टिंग कमिटी। इसमें कौन कौन से सदस्य थे इनको देख लो, डॉक्टर बी आर अंबेडकर यह अध्यक्ष थे इस समिति के, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर सदस्य थे, एन गोपाल स्वामी आयंगर या भी एक सदस्य थे, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जिनको आप के एम मुंशी के तौर पर शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं हर जगह, यह भी आपके इसके एक सदस्य थे, समझ गए। एन माधव राव को भी सदस्य नियुक्त किया गया था, लेकिन इससे पहले बीएल मित्र को बनाया गया था, लेकिन बीएल मित्र जानते हैं बीच में भी दिक्कत आई, तो बीएल मित्र के स्थान पर एन माधव राव। और अगले जो इसके सदस्य थे वह थे आपके सैयद मोहम्मद सादुल्ला। अगले सदस्य कौन थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। डीपी खेतान भी बने थे, 1948 में इनकी मृत्यु हो गई, तो इनकी मृत्यु के बाद टीटी कृष्णा मचारी को इनके जगह पर नया सदस्य बनाया गया, समझे। तो ये सात लोग थे, इन सातों में कैसे कैसे सवाल पूछता है, कभी कभी तो पूछेगा गठन कब हुआ था, कभी कभी पूछेगा अध्यक्ष कौन थे, कभी कभी पूछ लेता है निम्न में से वह कौन व्यक्ति है जो प्रारूप समिति में शामिल नहीं था, अब वहां जो है थोड़ा सा टफ हो जाता है प्रश्न पत्र। इसीलिए इन सातों लोगों के नाम आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि अगर दे दिया कि निम्न में से वह कौन व्यक्ति है जो प्रारूप समिति का जो है सदस्य नहीं था, तो गड़बड़ हो जाएगा अगर आपने ध्यान नहीं किया है। देखिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगले टर्म की ओर। अगला आपसे कह रहा है कि जो प्रारूप समिति बनी ड्राफ्टिंग कमिटी, इसने मूल संविधान यानी जो बीएन राव ने तैयार किया था इसके पाठ पर विचार करके उसे 26 फरवरी 1948 को ठीक है संविधान सभा के समक्ष रखा, यानी उसी पर इन्होंने विचार विमर्श किया, जो चीजें अच्छी लगी उसको रखा, जो चीजें बेकार लगी उनको जो है अलग छांटा, और जो संविधान जो है इन्होंने ठीक है प्रारूप समिति ने पेश किया फिर से संविधान सभा के समक्ष, इसमें 315 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है, जो डॉक्टर बी आर अंबेडकर की समिति ने मिलकर तैयार किया सात लोगों की। अब बात क्या करते हैं, जब ये आ चुका संविधान जो है बी आर अंबेडकर ने जब संविधान सभा में इसको पेश किया तो इसमें कुछ सुधार हुए और पुनः इसमें सुधार कर 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा के समक्ष उस संविधान को फिर से पेश किया गया। अब 4 नवंबर की बात है, 4 नवंबर 1948 को इस दिन संविधान का अंतिम प्रारूप पेश हुआ। यह सवाल पूछा है कि संविधान का अंतिम प्रारूप किस दिन पेश किया गया, तो वह था 4 नवंबर 1948, समझ गए। अब अगली बात, अब जब संविधान सभा में संविधान पेश किया गया तो उस पर वाचन चलने लगा कि भैया क्या क्या शामिल किए हो सभी को सुनाओ, जिन मेंबर को आपत्ति है वो लोग बोले, तो इसका वाचन शुरू होता है। प्रथम वाचन अगर देखें 4 नवंबर से शुरू हुआ और 9 नवंबर 1948 तक चला, केवल 5 दिन पहला वाचन इसका चला। दूसरा जो वाचन रहा संविधान पर, यह वाचन 15 नवंबर से प्रारंभ होता है और कब तक, 17 अक्टूबर 1949 तक चला, सबसे लंबा 1948 से शुरू हुआ और 1949 तक यह आपका पूरा वाचन चलता रहा, ठीक है। यानी इस पर बहुत विधिवत परिचर्चा हुई, हर एक जो है उस पूरे संविधान सभा के सदस्य जिसको आपत्ति होती थी वह हर मुद्दे पर बोलता था, ठीक है, फिर उसके मुद्दों पर जो है उसको व्यापक रूप से समझाया जाता था कि इस पॉइंट को भारतीय संविधान में क्यों रखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा का जो तीसरा वाचन रहा यह 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ, साथ ही साथ 26 नवंबर 1949 तक चला, 14 से शुरू हुआ 26 नवंबर। सवाल पूछा है कि संविधान सभा का सबसे लंबा वाचन कौन सा रहा, तो द्वितीय रहा भैया याद रखिएगा, तृतीय 14 से शुरू हुआ और 26 को आकर के समाप्त हुआ, और 26 तारीख को संविधान सभा ने संविधान को क्या किया, पारित कर दिया कि भैया यह जो संविधान है अब यह ठीक है। इतने दिन जो पूरी चीजें चली इसमें बहुत सारी चीजें हुई थी। अगली बात, जिस दिन आपका संविधान अंगीकृत हो गया संविधान सभा के द्वारा पारित कर दिया गया, उस दिन संविधान सभा में 284 सदस्य उपस्थित थे, ठीक है। और 26 नवंबर को कल मैंने हिंट दिया था इसको संविधान दिवस के तौर पर हम लोग मनाते हैं, ठीक है, क्योंकि 26 नवंबर 1900 कब की बात है, 49 की बात है, जिस दिन संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया था, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अगली चीज ध्यान दीजिए भैया, अभी मैंने बताया आपको कि जब 26 नवंबर 1949 की बात है तो जिस दिन संविधान को संविधान सभा ने अंगीकृत किया उसी दिन से 16 अनुच्छेद प्रभावी हो जाते हैं। यह पूछा है कई बार, 16 अनुच्छेद आपके प्रभावी हो जाते हैं, कौन कौन से अनुच्छेद रहे देख लो। ठीक है, अनुच्छेद 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 60, ठीक है, 324, 366, 367 है, 379 है, 380 है, 388 है, 391 है, 392 है, 393 और 394। ये सारे अनुच्छेद आपके क्या होते हैं, इसी दिन से लागू हो गए थे, इसी दिन से प्रभावी हो गए थे। ये पूछता है कि जो है उस दिन 26 नवंबर से कितने संविधान के अनुच्छेद लागू हुए, तो 16। याद रखिएगा, गलत मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा की जो भैया अंतिम बैठक हुई ये किस दिन हुई, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950, 26 नहीं 24, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। अंतिम बैठक में क्या होता है आप सारे लोग जानते हैं, फिर से अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया सारे सदस्यों ने, और हस्ताक्षर के बाद पंडित राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति इसी दिन चुन लिया गया। किस दिन, 24 जनवरी को ही भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया। किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। समझ गए, आगे बढ़ लेते हैं। अब जो संविधान सभा थी, जब संविधान बन गया तो संविधान सभा को भंग कर दिया गया कि संविधान सभा जिस उद्देश्य के लिए बनी थी वह उद्देश्य पूरा हुआ, और संविधान सभा को भंग करके उसे अंतरिम संसद, इंटरिम जो है पार्लियामेंट के तौर पर बना दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया। और क्या हुआ, संविधान जो 26 नवंबर को आपका लागू हुआ था आंशिक तौर पर 16 अनुच्छेद के साथ, यह पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा 1950, लेकिन हम 1900 क्या बात कर रहे, 49 की ही बात कर रहे थे। आगे बढ़ो, अगला चीज क्या है, आखिर यह है आपका क्यों 26 नवंबर वाली चीजें आती हैं, ठीक है, या 26 जनवरी वाली चीजें आती है, ध्यान दो। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 की बात है, इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। किसमें, दिसंबर 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला किया गया था इसी वजह से, ठीक है। लेकिन ये बात थी 1929 की, लेकिन जब भारत आपका आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, तो अब जो है तब से क्या किया गया, अब भारत जब उस दिन आजाद हुआ तो 15 अगस्त को क्या किया गया, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा, और जो आपका 26 जनवरी है उस दिन से गणतंत्र दिवस। समझे, दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और जो आपका 15 अगस्त है इस दिन हम लोग अपना स्वाधीनता दिवस मनाने लगे या स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे। आगे बढ़ते हैं अगली चीज में, 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने क्या किया, पाकिस्तान के लिए, किसके लिए, पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की, ठीक है। यह 1947 की बात है, 26 जुलाई, ठीक है। 15 अगस्त को हमारा क्या हुआ था, आजादी तो मिली थी, वो भी याद रखना है। अब यह सब कुछ मैंने संविधान सभा के बारे में बता दिया, भारत की संविधान सभा ने संविधान बना दिया, संविधान अंगीकृत हो गया, लागू भी करवा दिया गया। अब संविधान से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको पढ़ लो भैया, ये पूछा है और पूछेगा, ठीक है। देखो, पहली बात तो ये जान लो कि संविधान सभा में जैसे उस समय भारत सरकार का तो कोई मुहर बना नहीं था, तो संविधान सभा किस चीज को, कोई जब पारित हो गया तो उस पर साइन होती थी, सब कुछ होती थी, सिलबन। तो उस दौरान क्या किया गया, संविधान सभा ने हाथी के प्रतीक को मुहर के रूप में चुना था, जो मुहर लगाई जाती थी वह हाथी का प्रतीक था, समझ गए, सिंबल था। HBR आयंगर जो थे इनको संविधान सभा का सचिव चुना गया था, HBR आयंगर को संविधान सभा का सचिव चुना गया था, ध्यान रखिएगा। तीसरी बात, जो आपके LN मुखर्जी थे इनको मुख्य प्रारूपकार चुना गया था, ठीक है, जो चीफ आपके ड्राफ्टमैन थे, मुख्य प्रारूपकार थे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगली बात को और अच्छे से ध्यान रखिएगा, संविधान जानते हैं भैया यह हस्तलिखित था,
संविधान टाइप होके नहीं बना था जो संविधान था, और इसके लेखक कौन थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये इसके सुलेखक थे। इन्होंने संविधान को अपने हाथों से बढ़िया बढ़िया अक्षरों से सजाया था। संविधान मूलतः अगर देखें ये इटालिक शैली में लिखा गया था, जो मूल आपका था, ठीक है, इटालिक शैली में लिखा गया था। उसके बाद जब संविधान बन गया तो संविधान की किताब जब लिख के तैयार हुई तो इसकी जो है सौंदर्यीकरण और सजावट का जिम्मा दिया गया था शांति निकेतन के नंदलाल बोस तथा विहूर राम मनोहर सिन्हा को। इन दोनों ने मिलकर के संविधान को बहुत अच्छे से डिजाइन किया, सजाया, उसमें हर एक पेज के ऊपर, पेज के नीचे, बगल में बहुत सारी आकृतियां आपको देखने को मिलेंगी। और संविधान का जो हिंदी संस्करण रहा यह बसंत कृष्ण बैद्य ने लिखा और सजाया था किसने, नंदलाल बोस ने, समझ गए। तो इतनी चीजें हमने भारतीय संविधान के बारे में पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा के अन्य कार्य देख लो भैया, जो मैंने बताया था, यहां से सवाल हमेशा पूछा गया और सवाल हमेशा पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अन्य अगर जो है कार्यों में देखें तो मैंने जैसा कि बताया कि आपके क्या होंगे, राष्ट्रीय चिन्हों को इसने अंगीकृत किया था, तो राष्ट्रीय चिन्हों से सवाल हमेशा पूछा गया है। इन्हीं के ऊपर व्यापक परिचर्चा हम लोग कर लेते हैं क्योंकि यहां से सवाल हमेशा आया है। देखो, बात थी 22 जुलाई 1947 की, कब की, 22 जुलाई 1947 की बात थी। उस दिन राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप स्वीकृत किया गया, जो वर्तमान में हम राष्ट्रीय ध्वज लहराते हैं, फहराते हैं, यह 22 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया था संविधान सभा के द्वारा। यह संविधान सभा का ही कार्य था, ठीक है, क्योंकि इससे संबंधित समिति के बारे में मैंने बताया है, अध्यक्ष के बारे में बताया है, ठीक है, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। दूसरी बात, पिंगली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया, या पूछता है कि जो वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है इसकी डिजाइन किसने तैयार किया था, पिंगली वेंकैया ने। अगली बात, ये ध्वज की जो आपकी लंबाई और चौड़ाई है, यानी जो लेंथ और ब्रेथ है, इन दोनों का जो रेशियो है, यह 2:3 में है, ध्यान रखिएगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, सबसे जो ऊपरी पट्टी है इसका रंग जो है केसरिया है, यह साहस के प्रदर्शन को दर्शाती है। बीच में सफेद पट्टी है, यह शांति और सच्चाई को दिखाती है, और सबसे नीचे हरी पट्टी है, यह उर्वरता और समृद्धि को दिखाता है। जो अपने यहां तीन झंडे कलर हैं अपने राष्ट्रीय झंडे में, उन तीनों कलर का अलग अलग मतलब है, अलग अलग अर्थ है। आगे बढ़ते हैं, ध्वज के बीच में एक आपको नीला चक्र दिखाई देता है, इस नीले चक्र में 24 तीलियां लगी हैं, यह किसका प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है। भैया पूछा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज में जो नीला चक्र है यह किसका प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है। आगे बढ़ लें, यह कहां से लिया गया, यह भी सवाल आपसे पूछता है, इसे सारनाथ में बने अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है, समझ गए, सारनाथ में आपका अशोक का सिंह स्तंभ बना है, वहां से इस नीले चक्र को लिया गया है। भारत का जो राज्य चिन्ह है, ठीक है, उस राज्य चिन्ह को सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृत है, अशोक ने एक सिंह स्तंभ बनवाया था, ठीक है, उसी को किसने, भारत सरकार ने जो है अधिग्रहण किया है कि अब हमारा जो राष्ट्रीय सिंबल होगा वह अशोक का होगा। अगली बात, भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया था, कौन सा, जो आपका सिंह स्तंभ है इसकी अनुकृत को राज्य चिन्ह के तौर पर, समझ गए। आगे बढ़ लेते हैं, अगली चीज अगर हम देखें तो एक चीज आप यह जान लीजिए, जो राज चिन्ह है हमारा, ठीक है, राज चिन्ह पर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, राज चिन्ह पर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, और जो किससे लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया। बहुत बार प्रश्न पूछता है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया, यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है, समझ गए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, भारत का जो राष्ट्रगान है जो वर्तमान में हम गाते हैं जन गण मन, यह 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, किस दिन, 24 जनवरी 1950 के दिन। आगे बढ़ते हैं, गायन, इसके गायन की अवधि क्या है, यह 52 सेकंड में गाया जाना चाहिए आपका, कौन, जनगणमन अधिनायक जय है। अगली बात, यह जो जनगणमन अधिनायक रहा आपका, यह कैसे जो है, इसे राष्ट्रीय जो है गान के पीछे लाने का मकसद क्या है, उस चीज को भी ध्यान लो। 27 दिसंबर 1911 की बात है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता का अधिवेशन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता का अधिवेशन था, और वहां इसको पहली बार गाया गया था,
पूछता है कि राष्ट्रगान को सबसे पहले कहां गाया गया, कलकत्ता अधिवेशन किसके, आईएनसी के कलकत्ता अधिवेशन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। दूसरी बात, किसके द्वारा रचित है ये, यह रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि से इसको लिया गया है, जनगणमन अधिनायक जय। उसके बाद आगे बात करिए, हमारा राष्ट्रीय गान तो पता चल गया, राष्ट्रीय गीत आप सारे लोग जानते हैं, वंदे मातरम, यह 24 जनवरी 1950 को ही इसको भी संविधान सभा ने अंगीकृत किया, मान्यता दी, इसको राष्ट्रीय गीत के तौर पर अपनाया संविधान सभा ने। ये जो राष्ट्रीय गीत है यह किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित एक उपन्यास है आनंद मठ, उसमें यह लिया जो है लिखा हुआ है उसी से इसको लिया गया है। आगे बात करते हैं, ये कब पहली बार गाया गया जो आपका राष्ट्रीय गान रहा, तो बात है 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया और इसको भी शामिल किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली चीज है 22 मार्च की, 22 मार्च 1957 की बात है, उस दिन क्या हुआ था, 22 मार्च 1957 को शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया। किसको, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर। तो राष्ट्रीय कैलेंडर किस दिन अपनाया गया, यह 22 मार्च 1957, आजादी के बहुत दिन बाद। अगली चीज क्या है, सामान्यता जो चैत्र माह की शुरुआत होती यह 22 मार्च को, जबकि जो लीप वर्ष में किस दिन, 21 मार्च को होती है। चैत्र माह की शुरुआत 22 मार्च को होती है सामान्य सालों में, ठीक है, लेकिन जब लीप ईयर होता है तो इसमें 21 मार्च को जो है इसकी शुरुआत होती है। शक संवत जो है ये इसके साथ किस कैलेंडर को अपनाया गया, शक संवत के साथ आपका ग्रेगरियन कैलेंडर जो है अपनाया गया है। ये रीजनिंग में भी आप पढ़ेंगे सारी चीजों को। आगे बढ़ते हैं, भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है यह क्या है, यह कमल है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है इसको बोलते हैं नेलंबो न्यूसीफेरा। क्या बोलते हैं, नेलंबो न्यूसीफेरा। भारत का जो राष्ट्रीय फल है यह कौन है, आम है। और आम को क्या बोलते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक नाम सभी का पूछता है भैया, आम का वैज्ञानिक नाम है मैग्निफेरा इंडिका। भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष आपका बरगद है। बरगद को क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम फिकस बेंगालेसिस। इसका नाम है किसका, बरगद का। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है यह बाघ है, और बाघ का जो क्या है वैज्ञानिक नाम है यह पैंथेरा टाइग्रिस है। समझ गए, राष्ट्रीय जलीय जीव के बारे में अगर बात करें तो राष्ट्रीय जलीय जीव भारत की कौन सी है, यह गंगा डॉल्फिन है भैया। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्लेनिंटा, ठीक है, या प्लेंटानिस्टा गंगेरिका। लास्ट में ये जुड़ा रहेगा गंगेरिका, ये पूछा भी है, ध्यान रखिएगा। और एक तो आप ये जानते ही जानते हो, इतनी बार पूछ लिया, राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर है। मोर को बोलते हैं क्या, पाओ क्रिस्टेटस। मोर का जो आपका राष्ट्रीय नाम है इसको जरूर ध्यान रखना, क्योंकि पूछा है कई बार। 2008 की बात है भैया, उस दिन भारत सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया। किस दिन, 2008 की बात है। अगली चीज, सरकार ने 15 अगस्त 26 जनवरी तथा 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस के तौर पर भी घोषित कर रखा है। तो सारी चीजों के बारे में हमने विधिवत बात कर लिया है भैया, इससे आगे अब हम लोग पर चर्चा कल से शुरू करेंगे। ठीक है, मतलब अगले लेक्चर से जिस बारे में मैं आपको मिलूंगा वह चीजें ये होंगी कि अब आगे जो हमें पढ़ना है उसमें आपसे शुरू करूंगा प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की क्या होगी। अगली जो इस सीरीज होगी उसमें हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो सारे लोग, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम से जुड़ते रहिए, और इसकी जितनी भी नोट्स है उसको आप लोग पाते रहिए, उसके लिए 499 का सब्सक्रिप्शन ले लें। जो कुछ पढ़ाया जाता है इससे ज्यादा ही नोट्स के तौर पर होती है, और यह आपके जो है परीक्षा में बहुत ही कारगर साबित होगी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम के अंतर्गत जुड़िए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।